हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे नियामक ज्यामिति का पार्ट वन, जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पांच ऐसे VBI प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे मैट्रिक एग्जाम के लिए, जो अभी मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है उसमें 100% आने की गारंटी है कि इसमें यही सब प्रश्न आपके एक मैट्रिक एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि सभी प्रश्न सॉल्यूशन के साथ आप इस वीडियो को देखने के बाद इसमें पांच जो प्रश्न लिया गया है वह प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न भी मिलेगा जो आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा। तो आप अगर पहले बीच में अगर वीडियो को स्किप करेंगे या छोड़ बार के लिखेंगे देखेंगे तो लास्ट वाले जो क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे, चूँकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बड़ा भी वीडियो ना होगा, मात्र अगर 10 मिनट आप हमारे वीडियो में देते हैं तो आप पाइएगा कि बहुत कुछ सीखने के मिला इस आपको इस वीडियो से। ठीक है, तो इससे पहले बहुत सारे वीडियो अपलोड किया गया है, आप नहीं देखे हुए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है दूरी ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये नियामक ज्यामिति से क्वेश्चन लिया गया है। दिया गया ए साइन थीटा डॉट जीरो और बी में दिया गया है 0 × a cos θ के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले ऐसा जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपको सबसे पहले एक चीज़ आना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, ये फार्मूला आपको याद करना होगा। आई होप, हमें आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फार्मूला भी याद हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे बातों को ध्यान से सुने और वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आने ही वाला है। तो दिया गया x2 − x1² + y2 − y1² ये होता है दोस्तों दूरी का फार्मूला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x2 और x1 का मान और y2 और y1 का मान हमको कैसे मालूम चलेगा। तो a साइन थीटा यानी पहला जो यहाँ पे होता है ना, तो x1 का मान होता है, या दूसरा वाला होता है y1 का मान। ठीक है, इसमें पहला वाला होता है x2 का मान और दूसरा वाला होता है y2 का मान। जब x1 और x2 y1 y2 का मान आप ज्ञात करना सीख जाएंगे, यानी जानना पहचानना सीख जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे x2 दिया गया है, तो x2 का मान इसमें हम खोजेंगे कितना है, तो 0 है तो हम भी लिखेंगे 0, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x1 का मान, तो x1 का मान दोस्तों है a साइन थीटा, तो लिखेंगे a साइन थीटा। यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस है फार्मूला में तो प्लस लिखेंगे। फिर अब y2 का मान, तो y2 का मान देख पा रहे हैं a cos थीटा है, तो लिखेंगे a cos थीटा। फार्मूला में है माइनस, तो यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस। और उसके बाद में है y1 का मान, तो y1 का मान दोस्तों है 0, तो लिखेंगे 0। इसका भी स्क्वायर यहाँ पे है, इसका भी स्क्वायर, तो हम भी इसका लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 0 में से a साइन थीटा आप घटाएंगे तो आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, a साइन थीटा का स्क्वायर भी a साइन थीटा ही स्क्वायर होता है। तो इसीलिए हम इसका a साइन थीटा का स्क्वायर a साइन थीटा लिख दिए हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर और घटाना बढ़ाना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको फार्मूला में। फिर प्लस है तो प्लस, a cos थीटा का स्क्वायर भी हो जाएगा a cos थीटा, 0 का स्क्वायर 0 और इसमें घटाएंगे तो उसमें भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए हम a cos थीटा का स्क्वायर केवल लिख दिए हैं a cos स्क्वायर थीटा। अब मैथ का एक नियम होता है कि जो दोनों में मिल जाता है उसे हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो दोनों में से हम एक एक कॉमन कर लेंगे, यानी a स्क्वायर में a स्क्वायर, यानी हम इसका भी स्क्वायर है तो हम इसका हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर और बीच में है प्लस, यहाँ पे बचेगा दोस्तों कॉस स्क्वायर। तो एक चीज़ आपको मालूम होगा, चूँकि आपको हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन को बनाने से पहले उस क्वेश्चन के आधार पर जितने फार्मूले हैं उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि विदाउट फार्मूला आप बहुत सारे प्रश्न को नहीं बना सकते हैं। तो आपको मालूम तो परीक्षा में जाने पर ऐसा लगेगा कि हम तो मालूम तो चला, ये क्वेश्चन तो हम पढ़े हैं लेकिन फार्मूला ही याद नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा ना, तो ये स्टेप के बाद में जैसे ए स्क्वायर का ए स्क्वायर लिखा हमने, इतना के जगह पर हम एक लिखे हैं, तो ए स्क्वायर में एक से गुना किए हैं तो ए स्क्वायर ही आया है, और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए होता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये चीज़ अगर आपको मालूम होगा तो आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के पे 1 लिखा गया है। ए स्क्वायर का में अगर एक से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर ही होगा, और ए स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका होगा केवल ए। ठीक है,
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। तो दूरी से ही दूसरा क्वेश्चन लिया गया है जो आप बहुत बार एग्जाम में आया है और आपके भी ये एनसीईआरटी के एक बुक से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को दिखाई दे रहा होगा कि ए में दिया गया है ए कोमा बी, दो में दिया गया है माइनस ए कोमा माइनस बी की बीच की दूरी ज्ञात होगा, ठीक है। तो इसको भी ज्ञात करने के लिए आपको सिंपली वही फार्मूला का यूज करना है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हो जाएगा ये एक्स वन का मान, ये वाई वन का मान, ये एक्स टू का मान और दोस्तों ये हो जाएगा वाई टू का मान, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, तो एक्स टू की जगह पे आप लिखेंगे ए, चूंकि ये देखिए माइनस ए फिर माइनस एक्स वन, एक्स वन की जगह पे आप लिखेंगे ए, इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पे भी लिखना होगा होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो हम भी लिखेंगे दोस्तों प्लस ना, उसके बाद में क्या करना है कि y2, तो देखिए y2 का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा माइनस बी, तो लिखेंगे माइनस बी, फॉर्मूला में है माइनस तो यहाँ पे भी लिखना होगा माइनस। उसके बाद में दिया गया है y1, तो y1 का मान यहाँ पे देख पा रहे होंगे केवल b दिया गया है तो हम भी लिखेंगे b, फॉर्मूला में है इसका स्क्वायर तो इसका भी हम लिख देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ आपको मालूम होगा कि पहले माइनस लगा रहे हैं और बाद में ही माइनस लगा रहे हैं, तो माइनस और माइनस लिखा जाता है प्लस, लेकिन उसको लिखने के समय लिखते हैं माइनस, भले हमें माइनस ए और ए मिलके टू ए हो जाएगा लेकिन लिखेंगे माइनस टू ए और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में प्लस है तो बी और बी मिल के हो जाएगा टू बी, लेकिन पहले माइनस और बाद में भी माइनस है इसीलिए लिखा जाएगा माइनस और इसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर, चूँकि ये होल स्क्वायर यहीं से आता जा रहा है। उसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है कि रूट अंडर आपको करना है कि टू ए स्क्वायर, तो देखिए टू ए का स्क्वायर हो जाएगा चार ए स्क्वायर प्लस टू बी का स्क्वायर हो जाएगा दो दुनी चार बी स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था कि जब दोनों में कॉमन मिल जाता है तो उसे हम कॉमन कर लेते हैं, देखिए चार दोनों में मिल जाता है चार कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब क्या करना है कि आपको चार का तो वर्गमूल मालूम होगा कि चार का वर्गमूल दो होता है, तो जब चार का वर्गमूल दो आप निकालेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि बचा हुआ रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो यही आपका क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप दूरी वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था पहले ये ए बी में दिया गया है और पहले वाला दिया गया था साइन कॉस थीटा में। उसके बाद में एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं जो दिया जाएगा मूल बिंदु दिया गया है बिंदु युग्म दो कोमा तीन तथा चार कोमा एक की बीच की दूरी निकाले, ठीक है। तो आपको वर्ड पे नहीं देखना है कि युग्म गलती आधा ये युग्म इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इसको भी दूरी ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला का वही यूज करेंगे जो होता है रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। फिर आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये x1 और ये y1। दिया गया है x2 टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, देखिए x2 का मान है चार माइनस एक्स वन का मान, एक्स वन का मान है दो इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y2 टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो देखिए y2 का मान यहाँ पे कितना है एक है तो एक लिख देंगे, अब माइनस है तो माइनस वाई वन का मान कितना है दोस्तों तीन है तो इसका हम तीन का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करना है आपको आसानी तरीके से चार में से दो घटा लेना है, तो चार में से दो घटाएंगे तो दो इसका स्क्वायर है तो इस पर भी हम स्क्वायर कर देंगे प्लस का प्लस। एक में से अब जब तीन घटाते हैं यानी एक रुपया में से तीन रुपया घटाते हैं तो आपका बचता है माइनस दो, इसका भी स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए आपको तो दो का स्क्वायर मालूम ही होगा कि दो का स्क्वायर होता है दो दूनी चार और प्लस माइनस दो का स्क्वायर भी होता है चार, चूँकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों को चार और चार आठ यानी जोड़ देंगे, तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा आठ, लेकिन आठ का गुणनखंड होता है तो हम इसका कर देंगे गुणनखंड, ठीक है। तो दो दुनी चार दुनी आठ तो दो गो दो मिलके एक गो दो हो जाएगा और एक दो होगा जो रूट में छूट जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वह होगा दो रूट दो। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे दे दिया गया बिंदु ए में दे दिया गया है दो कोमा तीन और बिंदु बी में दिया गया है चार कोमा पाँच, इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा अगला क्वेश्चन।
और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चन तो हालांकि आपके एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाएंगे, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन देखेंगे वो आपके एग्जाम में 5 नंबर तक भी पूछे जा सकते। तो जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे हैं, जो दिया गया है एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात करें जो 5.3 और 3.5 से समदूरस्थ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेना है और इसका नाम जो भी रख सकते हैं आप, पी क्यू आर भी रख सकते हैं या ए बी सी डी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ए बी सी रख रहा हूँ। तो ए बी सी रखने के बाद आपको क्या करना है, या इसका ओ और इसका ए भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे ए रख सकते हैं और यहाँ पे बी रख सकते हैं, क्योंकि ओ ए और ओ बी इस तरह आसानी दिखाई देगा। तो उसके बाद में आपको एक चीज़ मालूम ही होगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो आपको मालूम रहना चाहिए कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0 होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी हालांकि पूछा जा सकता है और यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका यूज किया जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसके बाद में दो बिंदु यहाँ पे दिया गया है, एक है 5.3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5.3, और दूसरा एक बिंदु है जो क्वेश्चन में दिया गया है 3.5, तो हम लिख देंगे 3.5। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ओ ए ज्ञात करना है, ओ ए। तो ओ ए ज्ञात करने में आपको जो फार्मूला का यूज होगा वो वही फार्मूला लगाना है जो अभी कुछ देर पहले आप वीडियो में देख रहे थे, दूरी का फार्मूला जो मैं आपको बताया था कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 और y1 का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों x1 का मान, ये y1 का मान, और ये हो जाएगा x2 का मान, और ये हो जाएगा y2 का मान। तो अब क्या कीजिएगा कि यहाँ पे फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, तो हम लिख देंगे 5 - x1। तो x1 का मान यहाँ पे है x, तो यहाँ पे लिखना होगा x और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस है फॉर्मूला में, तो प्लस दिया गया है y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए y2 का मान यहाँ पे कितना है, 3 है, और माइनस का माइनस, और y1 का मान, तो y1 का मान कितना है, तो 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 5 - x लिखा गया, यानी a - b के फॉर्मूला पे ये बैठा जा सकता है, तो इसीलिए इसके a + b का फॉर्मूला पे बैठाएंगे, यानी a² यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो 2 × a का मान हम मानेंगे 5 × b का मान x और प्लस बी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि 3 में से 0 घटा लेंगे तो आपको कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बहुत ही आसानी तरीके से आपको मालूम भी होगा कि 25 होता है, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और 2 × 5 = 10, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, प्लस है तो फिर प्लस, x² का x² प्लस का प्लस, और 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 3 × 9। उसके बाद में आपको क्या करना है कि बड़े घात वाले को पहले लिखना है, छोटे घात वाले को बाद में लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 9 है, दोनों को ऐड कर देना है। तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो इसका होगा 9 और 25 मिलके 34, जो आपका समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको समदूरस्थ वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 समीकरण का जरूरत पड़ेगा। तो एक समीकरण हालांकि आ गया है, और दूसरे ये पहला जो समीकरण आया है वो ओ ए का, अब ओ बी का ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ बी बराबर, तो ओ बी बराबर फार्मूला तो सेम टू सेम उसमें भी यही लगेगा, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला सेम टू सेम है, केवल मान सारणी आपको चेंज करना है। यहाँ पे भी x1 का मान और y1 का मान सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे x2 का मान इसके लिए ये था और y2 का मान 3 था, लेकिन यहाँ पे x2 का मान हो जाएगा 3 और y2 का मान हो जाएगा 5, केवल इतना ही चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो आपको क्या करना है कि x2 का मान यहाँ पे बैठाना है 3, ठीक है। तो x2 का मान यहाँ पे बैठाएंगे 3
माइनस एक्स वन, और एक्स वन का मान ये हो जाएगा एक्स इसका होल स्क्वायर। फिर है प्लस, तो प्लस, और यहाँ पे दिया गया है वाई टू, तो वाई टू का मान यहाँ पे है पाँच, तो हम भी लिखेंगे पाँच, माइनस का माइनस और वाई वन का मान, तो वाई वन का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे है जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वाई वन का मान लिखेंगे जीरो। इसका भी होल स्क्वायर है, तो इसका भी होल स्क्वायर, चूँकि फॉर्मूला ही कर रहा है होल स्क्वायर करने के लिए, तो यहाँ पे भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब पहले जो एक्स का मान हम लोग यहाँ से निकालते थे, यानी समीकरण ए का मान जो यहाँ से आया है, तो उसमें भी ए माइनस बी के फॉर्मूला बैठाया गया था, तो इसमें भी ए माइनस बी के फॉर्मूला पे बैठाया जाएगा। जैसे देखिए ए स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी दो गुने ए का मान, तो तीन है, गुने बी का मान यानी एक्स है, अब प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, चूँकि ए का मान तीन मानेंगे और बी का मान एक्स मानेंगे, ठीक है। और फिर है प्लस, तो यहाँ पे भी हमको लिखना होगा प्लस, और पाँच में से जीरो जाएगा तो पाँच ही बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पाँच का स्क्वायर, चूँकि पाँच माइनस जीरो का स्क्वायर है, तो पाँच में से जीरो गए पाँच, तो पाँच का स्क्वायर। उसके बाद में बाद वाले स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पे तीन का स्क्वायर लिख देना है, तीन त्याई नौ, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, अब दो में तीन से गुना करते हैं तो तीन दूनी छः होता है, और एक्स का एक्स लिखते हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और पाँच का स्क्वायर है तो पाँचा पच्चीस हो जाएगा, यानी हमको लिखना होगा पच्चीस। फिर जिस तरह पहले समीकरण के लिए आपको पहला घात को पहले लिखना होता है, तो उसी तरह यहाँ पे बड़ा घात है एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर छोटा वाला है माइनस छः एक्स, तो लिखेंगे माइनस छः एक्स, और फिर यहाँ पे देखिए प्लस नौ है और प्लस पच्चीस है, यानी दोनों को हम ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, तो ये भी हो जाएगा चौंतीस, जो कि रूट अंडर में है, तो ये आएगा हमारा मान समीकरण दो का। तो समीकरण एक और दो आ गया है, तो कोई भी प्रश्न को हल करने के लिए जब समीकरण एक और दो आ जाता है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो अब समीकरण एक और दो से लिखेंगे, यानी ओ ए बराबर ओ बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ओ ए बराबर ओ बी हम लिखेंगे, तो ओ ए का जो समीकरण यहाँ पे आया था, दिया गया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स प्लस चौंतीस, तो वहीं यहाँ पे हम लिखेंगे कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स प्लस चौंतीस, ये समीकरण एक आया था। फिर बराबर करेंगे समीकरण दो यानी ओ बी, तो ये समीकरण आया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस छः एक्स और प्लस चौंतीस। अब इसको बराबर करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी रूट है और यहाँ पे भी रूट है, तो जो दोनों मिल जाता है उसे हम काट देते हैं, यानी रूट से रूट कट जाएगा। फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर से भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको जो बचेगा वह बचेगा माइनस दस एक्स प्लस चौंतीस, और यहाँ पे बचेगा माइनस छः एक्स और प्लस चौंतीस। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं दस एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे है माइनस छः एक्स, तो इधर हो जाएगा प्लस छः एक्स। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ पे है चौंतीस और यहाँ पे भी है चौंतीस, तो हम क्या कर देंगे ये चौंतीस अगर यहाँ पे लिखें तो प्लस चौंतीस बाद इधर है, तो इधर हो जाएगा माइनस चौंतीस, ठीक है। तो अब हालांकि ये माइनस दस था, ठीक है, तो चौंतीस में से चौंतीस जाएगा तो जीरो, आपको बहुत ही आसानी तरीके से मालूम होगा कि चौंतीस में चौंतीस घटाते हैं तो जीरो बचता है। अब यहाँ पे है माइनस दस एक्स और यहाँ पे है प्लस छः एक्स, इसका मतलब यह होगा कि दस एक्स यहाँ पे माइनस दस एक्स है, यानी दस रुपया आपके पास कर्ज है और छः रुपया ऐड करना है, यानी उसमें छः रुपया आपको कहीं से आया, तो दस रुपया आपके पास कर्ज है, छः रुपया कहीं से आया, यानी अगर छः रुपया आप सधा भी देते हैं तो आपको अभी भी माइनस चार यानी चार रुपया कर्ज ही रहेगा, और इसमें एक्स है तो इसका एक्स का एक्स ही लिखेंगे। अब यहाँ पे गुना में दिखाई दे रहा है तो इसको भागा में बदल देना है। तो देखिए भागा में कैसे करते हैं, अगर एक्स बराबर यहाँ पे जीरो लिखते हैं तो ये माइनस चार जो गुना में बच रहा है तो इसको हम नीचा ले आकर लिख देंगे माइनस चार। तो आपको एक चीज़ मालूम होगा कि क्या करते हैं कि जीरो में कितनाओं से हम भाग करेंगे तो हमारा जीरो ही आंसर आता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीरो। तो
आई होप आपको ये सभी प्रश्न को आप आसानी तरीके से समझ चुके होंगे। तो अगला वीडियो जल्द ही आएगा, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहते हैं कि ऐसे ही नए नए VBI प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिलता रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए VBI प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।